एक इंपॉर्टेंट सवाल भी आए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एक्स कॉस। बच्चों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपने पिछले वीडियो में देखा, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स टू 3 1 माइनस 1 2 देन टू सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i इक्वल्स टू 0। यदि a इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 मैट्रिक्स में, तो कहता है दिखाने के लिए कि ए स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i इक्वल्स टू 0। अगर आपने मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको लगेगा कि ये निश्चित रूप से हम बना देंगे। सबसे पहले आपको ए स्क्वायर फाइंड कर लेना है, फिर 5 a फाइंड करना है, फिर 7 i, सबका वैल्यू पुट कर देना है, आपको 0 आ जाएगा। ऐसे एक सवाल हम चल लेते हैं, आप देखो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो 3 1 माइनस 1 2 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 माइनस 1 3 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4, ये आपका 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये माइनस 5, ये 3। तो ए स्क्वायर निकाल लिया, उसको चेक कर ले पुनः, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 1, ये 3 ये 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4 बिल्कुल सही है, ये 8 5 माइनस 5 3। ए स्क्वायर निकाल लिया आप, 5 भी निकाल लीजिए, ये 15 ये 5 माइनस 5 10 और 7 i, i के बारे में आप जानते हो, यूनिट मैट्रिक्स ध्यान देना है आपको। जैसे यहां पे पहले ए स्क्वायर निकाला है, यहां a है, तो जो a का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपका जो है i का होगा। a जो है 2 by 2 का है मैट्रिक्स, तो i भी 2 by 2 ले लेंगे, 1 0 0 1, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 7 0 0 7। फिर a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 i, सबका वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए अगर हम कहते हैं कि a इक्वल्स टू 1 2 3 3 माइनस 1 2 2 1 3, आपको कहते हैं कि a स्क्वायर माइनस 3 a प्लस 5 i क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल ये निकाल लेना है इसको, ए स्क्वायर तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 a निकाल लेना है, फिर 5 i, i यहां 3 by 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेकर i यहां पर ले लेना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सबका वैल्यू इसमें पुट कर देना है, इसका वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हमने कह दिया a इक्वल्स टू 1 2 माइनस 3 1, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 x प्लस 5, आपको फाइंड करना है एफ ए, तो एफ ए निकालने के लिए आप एफ एक्स में एक्स का वैल्यू ए पुट करो, ए स्क्वायर यहाँ पे 3 x है, ए स्क्वायर माइनस 3 a प्लस ये 5 i हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या आप इसको निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, ए स्क्वायर
3a 5a, आई सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल फिर भी आए हैं जो कई एक बार एग्जाम में पूछा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, देन टू शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, एफ एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, आप एफ वाई लिख लो, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, मल्टीप्लाई कर दो एफ एक्स इंटू एफ वाई कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। देखिए क्या ये कोई फॉर्मूला हो रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी, ये देखिए साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, यह भी फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी का, यानी साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस एक्स प्लस वाई। अब आपको देखना है कि आपका एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में आपका था कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, तो एफ एक्स में एक्स था, यहां एक्स के बदले देखिए यहां पे एक्स प्लस वाई आ गया है, तो आप इसको एफ एक्स प्लस वाई कर सकते हो, और यही तो आपको लाना था। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से इसको देख लेना, सेम टाइप का सवाल है 3x3 ऑर्डर का, आपको मैं एक एच डब्ल्यू के लिए छोड़ देता हूं, आप इस पर वो बना लेना, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, फिर वही प्रूव करना है, देन टू शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई, इसका आप प्रैक्टिस कर लोगे। देखिए अगला सवाल, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, 1 2 1 1 2 0 2 0 1 1 0 2 0 2 x इक्वल्स टू जीरो, देन x इक्वल्स टू वन, ऐसा गिवन है, इसे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए x का वैल्यू निकल जाएगा,
देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर देता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा आपका 1 + 4 + 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 0 0, ये 0 2 2, और ये हो गया आपका 0 2, एक्स इक्वल्स टू 0, एड कीजिए 6 2 4 0 2x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 4 4x, अब ये हो गया आपका 4 + 4x = 0, तो 4x = -4, तो x = कहाँ -1। और इस तरह के सवाल बराबर पूछे जाते हैं, आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप बना लोगे इसको। x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 = 0, then x = 1, ये भी दे दिया क्वेश्चन है, अब इसको बना लोगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a = cos² θ cos θ sin θ cos θ sin θ sin² θ and b = cos² φ cos φ sin φ cos φ sin² φ, कहता है कि टू शो दैट AB = 0 मैट्रिक्स इफ θ - φ इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यदि θ - φ π/2 का विषम अपवर्त है तो आपको दिखाना है कि AB जो होगा वह 0 होगा। कुछ नहीं है इसमें, आप सीधा A को B से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सब में मिलेगा h, टर्म में आएगा cos θ - φ, जब सब में cos θ - φ आएगा और इनटू में और कुछ रहेगा, तो यहां कहता क्या है कि θ - φ π/2 का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल का क्या मतलब हुआ कि ये θ - φ या तो π/2 है आपका, या 3π/2 है, या 5π/2 है, ऐसा दे रहा हूं। अगर ये 5/2 है तो cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, cos 3π/2 क्या होता है, 0 होता है, cos 5π/2 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से जहां भी cos θ - φ रहेगा वो सब 0 आ गया, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो आसान सवाल है, आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, आप A को B से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा ऐसा। चलिए ये भी बताना है आपको, देखिए एक और अच्छा सवाल है, x 1 2 3 4 5 6 और −7 −8 −9 और ये 2 4 6, कहते हैं कि यहां से आपको x फाइंड करना है, x जो है कोई मैट्रिक्स है, तो x = क्या होगा। देखिए मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको बताया था, ये देखिए x, हमने इसको मान लेते हैं कि यह a है, इसको कह दिया b है, इसका मतलब है कि x = क्या आ गया, x into a = b आपका दिया हुआ, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आप a का ऑर्डर देखिए कि a का ऑर्डर क्या है, a का ऑर्डर आपको दिख रहा है 2/3 है, b का ऑर्डर भी 2/3 है, तो देखिए x का ऑर्डर क्या लिया जाए कि इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए और रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/3 हो जाए। देखिए 2/2, तो इसमें देखिए कॉलम 2 रो 2 मल्टीप्लाई होगा और रिजल्टिंग का जो ऑर्डर होगा क्या होगा 2/3, तो आपको x कंसीडर कर लेना है, 2/2 का कोई मैट्रिक्स ले लीजिए। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं,
x equals to a b u v। अब ये वैल्यू आप यहां रख दीजिए a b u v 1 2 3 4 5 6 और -7 -8 -9 2 4 6। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके और फिर इक्वेट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 4b 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b u प्लस 4b 2u प्लस 5b और 3u प्लस 6b। ये आ गया आपका -7 -8 -9 2 4 6। आप इसको इक्वेट कर लेंगे, a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5 इक्वल्स टू -8, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। सबका नेमिंग कर लेंगे, इक्वेशन रख देंगे, u प्लस 4b 2, 2u प्लस 5b 4, 3u प्लस 6b 6। और उसके इक्वेशन को सॉल्व करके आप ab का वैल्यू निकाल लेंगे और uv का वैल्यू निकाल लेंगे, आपको ab और uv मिल जाएगा। उस ab और uv का मान यहां पे पुट कर देना x में, आपको x निकल जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल का आप प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन में इतना ही।